वेलकम टू द स्मार्ट लर्निंग एकेडमी। मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह। क्रैश कोर्स चल रहा है हर एक एग्जाम के लिए, सीएसआईआर गेट डीबीटी आप लोग देख रहे होंगे। हर दिन क्रैश कोर्स में हम नए वीडियोस आपके लिए कॉन्टिन्यूस लेके आते रहते हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिल सके। और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं स्मार्ट लर्निंग एकेडमी के, तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। कोई भी क्वेरीज आएगी तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तरीके से इसमें भी हम अलाइनमेंट करते हैं, इनिशिएट करेंगे, एक्सटेंशन करेंगे। देखना कैसे करेंगे। सीक्वेंस वन है, सीक्वेंस वन में छोटे छोटे आपके अलाइनमेंट है, इनको एक्सटेंड करना शुरू करेंगे वन बाय वन, एक दूसरे से एक्सटेंड करेंगे, गैप को माइंड में रखते हुए कि गैप जो है हमारा जो स्कोर है वो स्कोर कम ना हो जाए इनिशियल स्कोर से। मान लो कि इनिशियल स्कोर 15 था या 10 था, तो इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे आगे बढ़ते चलना चाहिए। तो उस तरीके से हम लाइन करते रहेंगे माइंड में रखते हुए, थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड करके, एक्सटेंड देखो इतना किया, फिर इसको किया, इसको किया, इसको किया। अब देखोगे कि ये एक्सटेंशन बढ़ते बढ़ते इतना आया, इतना आया, और बीच में गैप के साथ हम इनको लिंक कर देंगे, दैट इज व्हाट द गैप पेनाल्टी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इस तरीके का मैकेनिज्म होता है किसमें, ब्लास्ट में। ब्लास्ट के कुछ वेरिएंट्स होते हैं, इसमें समझने की कोशिश करना जो कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ब्लास्ट का भी एक इंटरेक्शन होता है जहां पे सिर्फ डीएनए डीएनए इंटरेक्शन होता है, जिसको बोलते हैं सिर्फ एक इंटरेक्शन जहां पे डीएनए डीएनए अलाइनमेंट होता है, ब्लास्ट एन। एन का मतलब है न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड में डीएनए क्वेरी होता है, डीएनए डेटाबेस होता है, इसलिए डीएनए डीएनए इंटरेक्शन होता है। बाकी सब में प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन है। अब सब में क्वेरी और डेटाबेस, क्वेरी का मतलब आपका क्या है और डेटाबेस में वो किससे कंपेयर कर रहा है, ये पूछा जा रहा है। ब्लास्ट पी, पी का मतलब है प्रोटीन, ब्लास्ट पी का मतलब है प्रोटीन। तो प्रोटीन होगा तो प्रोटीन क्वेरी होगा, प्रोटीन डेटाबेस होगा, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन होगा, सिंपल है। अब बात आती है ट्रांसलेटेड ब्लास्ट एन। तो ट्रांसलेटेड ब्लास्ट एन में आपकी क्वेरी प्रोटीन होगा, करेगा न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस से और प्रोटीन प्रोटीन कंपेयर करेगा। ब्लास्ट एक्स, एक्स में डीएनए होता है, प्रोटीन के पास जाता है, ये आपका डेटाबेस होता है, और ट्रांसलेटेड ब्लास्ट एक्स में इसी का डीएनए होता है और डीएनए से ही आपका कंपेयर करता है, इंटरेक्शन प्रोटीन प्रोटीन होता है। इज इट क्लियर, दिस इज द वेरियस वेरिएंट्स ऑफ द ब्लास्ट एक्स। इसको आपको लर्न करना पड़ेगा, कुछ ट्रिक्स जो मैंने बता दिया, एन से न्यूक्लियोटाइड, पी से प्रोटीन। ट्रांसलेटेड में क्या आ जाएगा कि ट्रांसलेटेड हो जाएगा क्वेरी आपका प्रोटीन के फॉर्म में, एक्स का मतलब होता है डीएनए से प्रोटीन होता है, ट्रांसलेटेड में ये वाला आपका ट्रांसलेटेड फॉर्म में हट जाएगा। इज इट क्लियर, सो इस तरीके से आप लर्न कर सकते हो। नाउ टाइप्स ऑफ ब्लास्ट के बारे में बात करते हैं। टाइप्स ऑफ ब्लास्ट के बारे में बात करेंगे तो फाई और साई ब्लास्ट होता है, यहाँ पे फाई और साई ब्लास्ट होते हैं, दो तरीके के ब्लास्ट होते हैं फाई और साई। साई को बोलते हैं पोजीशन स्पेसिफिक आइटरेटिव ब्लास्ट, क्या होता है पोजीशन स्पेसिफिक आइटरेटिव, एंड फाई होता है पैटर्न हिट इनिशिएटेड ब्लास्ट। साई ब्लास्ट जो होता है डिस्टेंटली रिलेटेड सिक्वेंसेस के लिए आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। प्रोफाइल जो होता है इसमें क्या करते हैं, स्टेप देखिएगा, क्वेरी सिक्वेंस है, क्वेरी सिक्वेंस को ब्लास्ट किया, ब्लास्ट करके सिमिलर सिक्वेंसेस को फाइंड किया, फिर मल्टीपल सिक्वेंस अलाइनमेंट किया, फिर प्रोफाइल जनरेट किया, जो प्रोफाइल या पैटर्न आपको अभी बताया था उस प्रोफाइल से डिजायर्ड प्रोफाइल पे गए, फिर से उसको ब्लास्ट सर्च किया, और ये चलता रहेगा कई आइट्रेशन तक, दैट इज व्हाट द पोजीशन स्पेसिफिक आपका क्या है आइट्रेटिव ब्लास्ट है। आइट्रेटिव का मतलब कई बार रिपीट करेंगे, और पोजीशन या प्रोफाइल बेस्ड होता है, प्रोफाइल को ले लेते हैं यहां से। इज इट क्लियर, समझ में आया। आप क्या करेंगे, क्वेरी लिया, ब्लास्ट लिया, सिमिलर सिक्वेंसेस को फाइंड किया, मल्टीपल सिक्वेंस अलाइनमेंट किया, प्रोफाइल जनरेट किया, उसको बार बार रिपीट कर करके डिजायर्ड प्रोफाइल के पास पहुंच गए, दैट इज व्हाट द फाई साई ब्लास्ट। फाई ब्लास्ट के बारे में बात करते हैं, इसको बोलते हैं पैटर्न हिट इनिशिएटेड ब्लास्ट। इसमें क्या करते हैं कि सीक्वेंस से पैटर्न का जनरेशन करते हैं, फिर ब्लास्ट करते हैं, फिर सिमिलर सीक्वेंसेस को फाइंड करते हैं, दैट इज व्हाट द फाई ब्लास्ट, पैटर्न हिट इनिशिएटेड ब्लास्ट। इसके लिए आपको प्रूफ साइट की जरूरत पड़ती है, जो कि पैटर्न डेटाबेस होता है, जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। इज इट क्लियर, बात आती है ई वैल्यूज के लिए, ठीक है। ई वैल्यू के ऊपर बात आती है कि ई वैल्यू को कैसे लर्न करना है आपको। ई वैल्यू अब आता है तो इसको बोलते हैं एक्सपेक्ट वैल्यू, क्या बोलते हैं एक्सपेक्ट वैल्यू। ई वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सिमिलैरिटी, जितना भी ये होगा ये क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी से ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों, क्योंकि सिमिलैरिटी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बिकॉज अगर ई वैल्यू ज्यादा होगा, ई वैल्यू ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा जी, अगर ई वैल्यू ज्यादा होगा तो आपकी सिमिलरिटी कम होगी। यहां से यही समझ में आ रहा है, इफ द ई वैल्यू विल बी ग्रेटर देन द सिमिलरिटी विल बी लेस,
दैट द सिमिलरिटी विल बी लेस। इसके बारे में कुछ चीजें बताई जा रही हैं कि लेंथ ऑफ द क्वेरी सीक्वेंस पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ क्वेरी सीक्वेंस पे, लेंथ ऑफ डेटाबेस पे डिपेंड करता है। अगर ई वैल्यू जीरो है तो इसका मतलब है हाई सिमिलरिटी है, पॉजिटिव है तो वेरी रेयर होता है, निगेटिव है तो लेस सिमिलरिटी के बारे में बात करते हैं। नाउ द एक्सपेक्ट वैल्यू इज द पैरामीटर दैट डिस्क्राइब्स द नंबर ऑफ हिट्स वन कैन एक्सपेक्ट टू सी बाई चांस बाई सर्चिंग द डेटाबेस ऑफ अ पर्टिकुलर साइज। ठीक है, अब देखने की कोशिश करना ये कहना क्या चाह रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है, फिर से एक बार रीड करो इस चीज को। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, द एक्सपेक्ट वैल्यू, इट इज द एक्सपेक्ट वैल्यू इज द पैरामीटर दैट डिस्क्राइब्स द नंबर ऑफ हिट्स, कितने हिट मिले हैं आपने जो सर्च किया उससे कितने हिट्स मिले हैं आपके, वो हिट्स को डिस्क्राइब करता है वन कैन एक्सपेक्ट टू द सी, कितने चांसेस या कितना सर्चिंग डेटाबेस में कितने हिट मिले हैं वो होता है ई वैल्यू। इट डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली एज द स्कोर ऑफ मैचेस इंक्रीजेस, जैसे जैसे मैच इंक्रीज करेगा वैसे वैसे डिक्रीज करेगा। इसका एक फॉर्मूला होता है के एम एन माइनस डेल्टा ई टू पावर माइनस लैम्डा एस, के और लैम्डा जो होता है एम्पिरिकल पैरामीटर्स होते हैं, कॉन्स्टेंट होते हैं, एस इज द अलाइनमेंट स्कोर, एम इज द सिक्वेंस लेंथ एंड एन इज द डेटाबेस लेंथ, ये आपका फॉर्मूला होता है ई वैल्यू के लिए। इससे क्वेश्चन आया हुआ है, अभी हम देखेंगे। अल्टीमेटली ई वैल्यू के बारे में बात करें तो ई वैल्यू सिमिलरिटी के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, जहां पे ई वैल्यू जितना ज्यादा होगा सिमिलरिटी उतनी ही कम होगी। चलो आगे चलते हैं मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट के लिए। मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट मतलब कई सारे सीक्वेंस को एक साथ अलाइन करना, मल्टीपल सीक्वेंस का मतलब होता है कई सारे सीक्वेंस को एक साथ अलाइन करना। इसके लिए जो टूल यूज करते हैं वो यूज होता है क्लस्टर डब्ल्यू पाइलअप मल्टी अलाइन, क्लस्टर डब्ल्यू पाइलअप मल्टी अलाइन। नाम में मल्टी अलाइन, क्लस्टर मतलब कई सारे क्लस्टर आ जाते हैं, नाम से याद रखिएगा क्लस्टर फॉर्मेशन या क्लस्टर आ जाते हैं, क्लस्टर डब्ल्यू पाइलअप कई सारे पाइलअप कर देते हैं, दैट इज व्हाट द पाइलअप एंड मल्टी अलाइन, इसके नाम ही सारी चीजें हैं। ये क्या करते हैं, इस पे एक सैनन एंट्रोपी कैलकुलेट की जाती है, सैनन एंट्रोपी कैलकुलेट की जाती है, सैनन एंट्रोपी कैलकुलेट की जाती है, वो हम कैलकुलेट करेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है दैट इज व्हाट द माइनस पी आई लॉग पी आई। ठीक है, लॉग पी आई, ये अभी हम इसके ऊपर क्वेश्चन देखेंगे कैसे चलेगा। नाउ प्रोग्रेसिव के बारे में बात करते हैं, प्रोग्रेसिव के बारे में बात करते हैं कि इसमें जो होता है वो होता है, दो मेथड्स होते हैं मल्टीपल अलाइनमेंट के, एक होता है प्रोग्रेसिव, इसको बोलते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड, या इसमें क्या करते हैं, इसमें देखिएगा कि जैसे ये सीक्वेंसेस है ए बी सी डी ई, दिस इज व्हाट द पेयर वाइज अलाइनमेंट ऑफ द मोस्ट सिमिलर सीक्वेंसेस। पहले हम इनमें उनको करते हैं, मान लो ए जो है डी है मोस्ट सिमिलर है, मोस्ट सिमिलर है तो पहले हम ए और डी को अलाइन करेंगे, पहले अलाइन करेंगे ए और डी को। मान लो बी और ई मोस्ट सिमिलर है, ए और डी के बाद बी और ई को अलाइन करेंगे। ठीक है, फिर सबको पहले मोस्ट को पेयर वाइज करेंगे, फिर उनको एक साथ अलाइन करेंगे। जबकि आइट्रेटिव में क्या होता है, अलाइनमेंट जनरेटेड री अलाइन सेल्फ रिजल्ट, इसमें एक एक करके अलाइन करते चले जाते हैं, ए को बी के साथ अलाइन करेंगे, फिर इन सबको सी के साथ, फिर डी के साथ, फिर ये आपका आइट्रेटिव होता है, कई बार में अलग अलग ऊपर नीचे करके फिक्स करते रहते हैं और जो बेस्ट रिजल्ट आता है वो आपका जनरेट कर दिया जाता है। इज इट क्लियर, करने का फॉर्मूला है कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझना। बीइंग इन ऑल इंडिया रैंक होल्डर, मैं वीरेंद्र सिंह बनाऊंगा आपके सीएसआई नेट प्रिपरेशन को आसान। डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप एंड यूज द कोड वीरेंद्र अपनी प्लस सब्सक्रिप्शन पर 10% ऑफ पाने के लिए। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, क्योंकि मैं जितना हो सकता है मैं इतना आपके लिए कर रहा हूँ, और आप भी अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर करिए ताकि वो भी इन चीजों से लर्न कर सके। अगर आपको डेफिनेटली पसंद है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर।